जी एग्जाम शास्त्र में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज सीईएस यानी क्रेजी एग्जाम शास्त्र टॉप 15 जीके क्वेश्चन चलेगा, और हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो ऑप्शन है इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, यूएसए के। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए के। यूएसए के में कहाँ से? तो मैक्सिको से। मैक्सिको से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं में रस्ट रोग जो है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रेट, अमोनियम, सोडियम। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-HOD क्या है? तो ऑप्शन है खरपतवार नाशी, विस्फोटक, कीटनाशी, शीतलक। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा खरपतवार नाशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू में विषैला तत्व होता है? तो ऑप्शन है कैफीन, थीन, निकोटीन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोटीन पाया जाता है, और इसके अलावा जो है 60 तरह के विषैले तत्व भी पाए जाते हैं, तरह के विषैले तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वन दिवस मनाई जाती है कब? 21 जनवरी को, 21 फरवरी को, 21 मार्च को, 21 अप्रैल को। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को। कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? तो 2012 से। 2023 का थीम क्या है, यह भी पूछा जाता है कभी कभी, तो वन और स्वास्थ्य, वन और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, लुवेन हॉक, लुई पाश्चर। इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है MS रंधावा, MS स्वामीनाथन, BG कुरियन, अमृता पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MS रंधावा। इन्होंने जो है हरित क्रांति में भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू क्या है? तो ऑप्शन है जड़, फल, तना, इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तना है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और सेकंड नंबर पे जो है वह बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपास जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है फूल, फल, तना, जड़। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फल से प्राप्त होता है, यानी बीज से, बीज से और फल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 12, 16, 18, 20। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, और एक निकेल भी होता है, यानी टोटल 17 तत्वों की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है का कारण क्या है? तो ऑप्शन है तांबा की कमी, आयरन की कमी, जिंक की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूसा 444 जो है किसकी प्रजाति है, किसकी एक प्रजाति है? तो ऑप्शन है गेहूं, बाजरा, धान, मक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा की।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1965, 1970, 1975, 1951। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आनंद गुजरात में। अगर डेट पूछा जाए तो डेट हो जाएगा 16 जुलाई को। इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट सब थे। चलिए जय हिंद।